आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय किशोरी एक बार फिर दुष्कर्म का शिकार हो गई है। इसमें चौंकाने वाली बात तो यह है कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी घटना की अब तक FIR तक नहीं दर्ज की गई है। थाने से मिली निराशा के बाद पीड़ित किशोरी अपने परिजनों के साथ SP कार्यालय पहुंची है। दरअसल गढ़थाना क्षेत्र के लालगांव चौकी अंतर्गत रहने वाली आदिवासी परिवार की 15 वर्षीय किशोरी बैकुंठपुर के एक गांव में अपने नाना के यहां रहने गई हुई थी। 4 अगस्त की शाम तकरीबन 7 बजे वह घर से बाहर निकली तो आरोपी उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद जब किशोरी अपने नाना के घर वापस पहुंची तो उसने सारी घटना का बयां कर दिया। इसके बाद डायल 100 को फोन किया गया, लेकिन डायल 100 ने दूसरे दिन थाने में आकर रिपोर्ट करने की बात कहकर वहां से वापस चली गई। पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची तो उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई, बल्कि उस पर समझौते का दबाव बनाया गया। दुष्कर्म की घटना का शिकार किशोरी परिजनों के साथ न्याय के लिए भटकते हुए आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन हो रही इस तरह की घटनाओं के बावजूद पुलिस की निराशाजनक कार्रवाई कहीं ना कहीं आरोपियों के हौसले बुलंद कर रही है। क्या मामला लेके आज SP ऑफिस आए हैं? हम मामला लेके आए हैं कि हमारे बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या हुआ आपकी बच्ची के साथ? हमारे बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। कहाँ का मामला है ये? ग्राम ब्रहुआ का हुआ है, थाना बैकुंठपुर है। कितने लोगों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया? एक ही लड़का था। शिकायत आप कहाँ किए थे? हमने पहले 100 नंबर को फ़ोन लगाए, 100 नंबर आई हुई है। इसके बाद बोली कि आप लोग बैकुंठपुर थाने में रिपोर्ट लिखाइए, दर्ज करवाइए, फिर इसके बाद कार्रवाई करें। जब आप लोग बैकुंठपुर थाने गए तो पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? हमने जब बैकुंठपुर थाने में गए तो वहाँ के पुलिस अधीक्षक बोले कि आप लोग नॉर्मल चीज़ों को लेकर ही न आइएगा, इसके बाद आप समझौता कर लीजिएगा। इसके बाद आप क्या किए, कहाँ गए? इसके बाद हम दूसरे दिन रीवा महिला थाने में आए, इधर कार्रवाई करने के लिए बोला गया तो इधर से बोला गया कि आप लोगों की कार्रवाई बैकुंठपुर थाना से चालू हो रही है, चल रही है। अब आज SP ऑफिस आए हैं? आज हमने ऑफिस आए हुए हैं कि ताकि हमको राहत मिले और न्याय मिले।